अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आज हमारे किचन में बन रहा है चिकन जिंगी। ये बहुत यम्मी जूसी चिकन है, चिकन जिंगी है, जो कि बहुत आपको पसंद आएंगी। ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखें और मुझे इसका फीडबैक अंसारी सिस्टर 214 पे ज़रूर दें इंस्टाग्राम पर। तो चलते अब हमारी डो की तरफ। 2 कप मैदा, ऑल पर्पस फ्लावर, 1 टेबल स्पून बटर, 1/2 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून पिसी हुई चीनी, शुगर, 1 टीस्पून ईस्ट एंड 1 कप वार्म मिल्क। ऑल पर्पस फ्लावर में ऐड 1 टीस्पून पिसी हुई शुगर, 1 टीस्पून ईस्ट एंड 1/2 टीस्पून सॉल्ट। सॉल्ट आप अपने अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसे मिक्स करेंगे अच्छे से। मैं यहाँ ले रही हूँ वार्म मिल्क 1 कप, इसके बजाय आप ले सकते हैं वार्म वाटर। अब मैं इसे थोड़ा थोड़ा करके अपने पर्पस फ्लावर में ऐड करूँगी और मैं अपने डो को अच्छे से गूनूँगी, इतना गूनूँगी कि मेरी डो सॉफ्ट हो जाए। इस तरह से डो हमारी सॉफ्ट हो चुकी है। मैं इसे 1 आवर के लिए रूम टेम्परेचर पर छोड़ दूँगी राइस होने। डो हमारा राइस हो चुका है, इस तरह से डबल हो गया है। अब हम चल रहे चिकन की फिलिंग की तरफ। 250 ग्राम ऑफ चिकन में 1 टीस्पून जिंजर पाउडर डालेंगे, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 1 टीस्पून नमक, नमक आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। साथ ही में मैं ले रही हूँ 1 टीस्पून अनियन पाउडर, अगर अनियन पाउडर नहीं है तो अनियन पेस्ट ले लें, 1 टीस्पून गार्लिक पाउडर, तो गार्लिक पाउडर नहीं है तो गार्लिक का पेस्ट ले लें, 1 टेबलस्पून चिल्ली फ्लेक्स, कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून पेपरिका पाउडर। पेपरिका पाउडर इट्स ऑप्शनल, आप इसके बजाय कश्मीरी लाल मिर्च ले सकते हैं। 1/2 टीस्पून मिक्स हर्ब्स, इन सबको डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे। मैरिनेट करके 30 मिनट्स के लिए छोड़ देंगे। ये देखिए, अब हम पैन लेंगे, पैन के अंदर 2 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे। ऑयल हमारा गर्म हो जाएगा तब हम इसमें मैरिनेट किया हुआ चिकन ऐड करेंगे। चिकन को हाई फ्लेम पे कुक करेंगे ताकि इसका कच्चापन निकल जाए। चिकन का कच्चापन निकल चुका है। अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ 1 कप वाटर, आप चाहिए तो 1/2 कप वाटर ले सकते हैं। इसे मैं 20 मिनट्स मीडियम फ्लेम पे कुक करूँगी ढाक कर, ताकि मेरी चिकन सॉफ्ट हो जाए। अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ 1 कप चॉप टमाटोज, 1/2 कप चॉप अनियन, 1/2 कप पे कुक करेंगे ताकि टमाटर और प्याज सॉफ्ट हो जाए। ये स्टेज पर हम डालेंगे अभी 1 टेबलस्पून बारबेक्यू सॉस, अगर बारबेक्यू सॉस नहीं है तो आप ना डालें। 1/2 फ्लेम पे ढक के पकाएंगे ताकि हमारा जो पानी है वो खुश्क हो जाए, ड्राई हो जाए और हमारी चिकन सॉफ्ट हो जाए। इसके बाद शामिल करेंगे 1 कप टमाटो केचप, टमाटो केचप आप चाहिए तो 1/2 कप ले लें, 1/2 कप मायोनीज, 2 मिनट्स हाई फ्लेम पे कुक करेंगे। ये स्टेज पर हम अपना चूल्हा बंद कर देंगे। ये देखें, हमारी चिकन की फिलिंग रेडी हो चुकी है। डो हमारा राइस हो चुका था, अब हम इसके 8 पीसेस बना लेंगे इसी तरह से। इसे हम छोटा छोटा करके बेलेंगे और तीनों साइड से इसे फोल्ड कर देंगे एज इट इज़। इसी तरह से आपको करना है। बीच में हम चिकन की फिलिंग ऐड करेंगे, शामिल करेंगे इसी तरह से और तीनों साइड से इसे जॉइन कर देंगे। मैं सभी को इसी तरह से बनाऊंगी एज इट इज़, आपको भी इसी तरह बनाना है। बेकिंग ट्रे को मैंने ऑयल से ग्रीस कर ली हूँ।
इसमें हम चिकन जिंगी रखेंगे। सभी को हम एग वॉश करेंगे इसी तरह से। गार्निशिंग के लिए मैं ले रही हूँ चिल्ली फ्लेक्स और मिक्स हर्ब्स। ओवन हमारा प्रीहीट हो चुका है, इसे हम 180 डिग्री सेल्सियस 20-25 मिनट्स के लिए बेक करेंगे। ये देखिए हमारा चिकन जिंगी बेक हो रहा है। ये देखिए हमारा जो चिकन जिंगी है वो रेडी हो चुका है, इसका लाइट ब्राउन कलर भी आ गया है। इसे मैं डिश आउट कर रही हूँ। टडा, चिकन जिंगी हमारा रेडी हो गया है। इसका डो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, चिकन एकदम जूसी है। साथ में मैंने बनाई हूँ ब्लैक करंट स्मूदी। अगर ये रेसिपी आपको चाहिए तो मुझे ज़रूर कमेंट करें। चलो इसे खाते हैं। ये बहुत ज़्यादा टेस्टी है, यमी है, जूसी है। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर, एंड थैंक यू।